हेलो फ्रेंड, मैं स्नेहा स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी चाट बनाऊंगी, जिसे आलू चाट भी कहते हैं, इसे कचालू चाट भी कहते हैं। तो इसके लिए ये चार बॉयल आलू ली हूँ और इसके छिलके उतार लेंगे। आलू को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, आलू को ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर ओवर कुक करेंगे तो हमारा जो चाट बनेगा तो उसमें आलू टूट जाएंगे, इसलिए। उसके बाद ये थोड़ी सी इमली ली हूँ और उसको पानी डाल करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ा पानी डाल दी हूँ और इसे इस तरह से ही ढककर छोड़ देंगे। बस 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद 10 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है। उसके बाद आलू को अच्छे से इस तरह से गोल गोल स्लाइस में कट कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे, हल्की सी मोटी मोटी ही इसके गोल गोल कट करके तैयार कर लेते हैं। अगर बहुत बारीक कट करेंगे तो ये सारे आलू को जब मिक्स करूँगी तो टूट जाएंगे, इसीलिए। तो सभी आलू को इस तरह से कट कर ली हूँ और उसके बाद इस तरह से फैलाते हुए इसको रख लें। तो देखिए, सारे आलू को कट कर ली हूँ। तो अब इसमें मसाले डालेंगे, तो इस पहले नमक डाल देते हैं। तो हाफ टी स्पून नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। हाफ टी स्पून ये भुना जीरा पाउडर है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद हाफ टी स्पून से थोड़ा कम ही लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें। उसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज ली हूँ, इसे बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कट कर ली हूँ। उसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती 1 टेबल स्पून। उसके बाद एक हरी मिर्च डाली हूँ बारीक कटी हुई, तो हरी मिर्च डाल दें। और उसके बाद हमने जो इमली को पानी में भिगो कर रखी हूँ उसको अच्छे से मैश कर ले, और उसके बाद इसका पल्प निकाल लेंगे। इमली को इस तरह से अच्छे से हाथों से मिक्स करते हुए इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। और उसके बाद इसके जो बीज हैं और जो डंठल हैं, इन सबको एक छन्नी से इसको छान लेंगे, ताकि जो हमारा इमली का जो पल्प है वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो देखिए, इमली के पानी को अच्छे से छान ली हूँ, उसके बाद इस चाट में डाल देंगे। तो एक बार में सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे नींबू के रस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नींबू के रस और इमली में थोड़ा अंतर होता है। इमली का पल्प डालने से हमारा जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि इसमें हल्की सी मिठास भी होती है, तो थोड़ी खट्टी मीठी सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अच्छे से सभी को मिक्स कर ली हूँ, और थोड़ा जो का पानी बचा है उसे नहीं डालेंगे, और ये हमारा बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद इसे मैं ये बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं इसमें सर्व कर रही हूँ। मार्केट वाले प्लेट में ही इसको सर्व करेंगे, ताकि देखने में भी बिल्कुल मार्केट का लुक आए और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगे। तो दोनों में अच्छे से सर्व कर ली हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी, बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ये आलू कचालू चाट बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये आप कभी भी खा सकते हैं, कभी भी जब भी आपको चटपटा कुछ खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चाट बनकर तैयार है। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।